तो ऑडिट में आपको जो फर्स्ट चैप्टर निकाला आपने, अभी पहले बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, पहले तो कॉन्सेप्ट करेंगे ऑडिट होती क्या है, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मेरे को आपको ग्रुप वन से रिलेटेड है वो करवाने भी पड़ेंगे जी। ऑडिट का सिंपल मतलब होता है, अगर मैं जनरल मीनिंग बात करूं, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कहिए या आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना। ऑडिट का मतलब है इंस्पेक्शन करना या क्वेश्चंस पूछना। हम जब लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट पढ़ा था हमने कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो पैसा लगाते हैं जी सारा का सारा कंपनी के अंदर। शेयर होल्डर्स, एक बार मेंबर लिख दूं साथ में, लो जी मेंबर्स भी लिख देता हूं। हालांकि शेयर होल्डर होना और मेंबर होना दोनों अलग अलग बात है, बट हम एक बार दोनों को सेम मान के चल रहे हैं जी, ठीक है, कि शेयर होल्डर और मेंबर एक ही बात है। ये क्या करते हैं, ये लगाते हैं कंपनी में पैसा, मोटी फंडिंग जो है वो शेयर होल्डर की होती है जी। ये है एबीसी लिमिटेड कंपनी। अब शेयर होल्डर कहाँ है, पैसा लगाने के बाद शेयर होल्डर बैठे अपने घर पे, शेयर होल्डर तो अपने घर बैठा पैसा लगा के। हाँ अब कंपनी को चलाएगा कौन फिर, बोलो सर, कंपनी को चलाएगा ये शेयर होल्डर चलाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है सर, शेयर होल्डर कंपनी को चलाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर कंपनी कौन चलाएगा सर, कंपनी चलाने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते भैया हम आपको अपॉइंट करते हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, और आपको कंपनी संभालनी है। कहते जी मेरा काम बताओ क्या करना है, मुझे मुझे किस लिए अपॉइंट किया गया है। ले तेरा पहला काम है टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तेरे को कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना है, मतलब कंपनी कहां जा रही है कहां नहीं जा रही ये देखना है। अरे नहीं, अफेयर्स का मतलब वर्किंग, अफेयर्स का मतलब वर्किंग होता है, वो नहीं जो तुम लोग सोच रहे थे। ठीक, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, ये सब तुझे देखना है। कहता है जी ठीक है। उसके बाद उनका हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा, कितना खरीदा कितना बेचा इन सब का हिसाब किताब तुझे रखना है, कितना कितने हमारे पास एसेट है, कितनी हमारे पास लाइबिलिटी है, यानी कि टू मेंटेन द बुक्स। जितने भी अफेयर्स है जितनी वर्किंग है तू करेगा, और फिर उनका हिसाब किताब भी रखेगा। फिर उसके बाद साल के एंड पे तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। खाली बुक समय क्या करूंगा, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं इतनी सेल है, इतनी परचेज है, इतने एक्सपेंस है, ऐसे बता दूं तो पता लग जाए प्रॉफिट लॉस कितने हैं, नहीं ना, पीएनएल बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है जी, ये भी मैं कर दूंगा। और उसके बाद जब ये सारा काम हो जाए, बुक्स बन जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए, तो एजीएम बुलाइयो। एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की ही होती है। याद है फाउंडेशन में बताया था, जनरल मीटिंग किसकी होती है, बोर्ड मीटिंग किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो तू जनरल मीटिंग बुलाइयो। जनरल मीटिंग दो होती है, एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही बार होती है, हर साल होगी,
एक बार होगी और कंपलसरी है बुलानी, नाम से बता रहा एनुअल। तो क्या करोगे इसमें, पूरे साल में जो काम हुआ जो बुक्स है वो ले आइयो और शेयर होल्डर को बुला लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके सामने रख दियो कि सर पूरे साल ये वर्किंग हुई है, ये रेन के रिकॉर्ड्स और ये रिफाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रॉफिट है ये लॉस है। डायरेक्टर आपके सामने रख दे, किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने। टू कॉल एजीएम, ये आपकी ड्यूटी बनती है, एजीएम बुलाइए, ठीक है जी, एंड ले डाउन द बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। और जो बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सामने रख दीजिए, ये हो गया नोट। एक सेकंड, थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ आ रही है लिखते हुए, ये ऑप्शन छिड़ा हुआ। नोट हो गया ये। चलिए जी, अब कई बार क्या होता है, देख कंपनी के अंदर क्या होता है, मान लीजिए मेरा पैसा और मेरा दिमाग, मैंने एक आइडिया सोचा कि इस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, ठीक, ओके, तो मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया और पैसा लगा दिया, अपने दिमाग से मैंने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया बिजनेस। अब देखो बिजनेस जब सारा बढ़ जाएगा तो अकेला मैं थोड़ी कर सकता हूं, मैंने क्या किया, मैंने इंप्लॉइज रख लिया अपने बिजनेस में। देखो जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, काम का बर्डन बढ़ेगा, तो आप क्या कोशिश करोगे, हम उस बर्डन को क्या कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं जी। शेयर कैसे करोगे, इंप्लॉई रख लो, एजेंट अपॉइंट कर लो अपने। तो ये डायरेक्टर कहते हैं सारे काम मैं थोड़ी करूंगा, कहता हाँ जी आप इंप्लॉइज अपॉइंट कर लो और ये पावर्स उनको डेलीगेट कर दो। इंप्लॉई को अपॉइंट करके कहते भैया ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ऐसे डेलीगेट करते रहो। मैंने भी डेलीगेशन कर दिया, पैसे लगाए, पैसे मेरे, बिजनेस का आइडिया मेरा और शुरू में जो मेहनत वगैरह थी वो सारी मेरी, बिजनेस चल पड़ा और मैंने मैनेजर अपॉइंट कर दिया एक कंपनी के अंदर। मैंने कहा मैनेजर भाई ये अब तेरे को मैनेज करना है सारा, क्यों, क्योंकि मैंने तो सेटअप करके दे दिया सारा। थोड़े टाइम बाद मैनेजर्स, जो एक दो मैंने मैनेजर रखे तो आपस में मीटिंग करते हैं, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में वैसे मीटिंग करते हैं, कहते हैं यार ऐसा है कंपनी का टर्नओवर देखा कितना है, क्योंकि बैलेंस शीट किसने बनाई है, डायरेक्टर्स ने, उनके सामने बैलेंस शीट बोले यार कंपनी का टर्नओवर है 2000 करोड़, नेट प्रॉफिट देखा कितना है, नेट प्रॉफिट देखा तो भाई 500 करोड़, और तेरे को पता है अपने को कितना रेमिशन मिलता है, अपन तीन बंदों को, कहता कितना, सिर्फ 2 करोड़ तीनों बंदों को मिला के, यार ये तो कम है। कंपनी में सारी वर्किंग कौन करता है, हम लोग। कंपनी की बुक्स कौन मेंटेन करता है, हम लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन तैयार करता है, हम लोग। मतलब ये सारा जो प्रॉफिट कमा के कौन दे रहा है, बंदे को, प्रमोटर को कौन दे रहा है पैसे, शेयर होल्डर को कौन दे रहा है पैसे कमा के, हम दे रहे हैं, और हमें कितना मिल रहा है, 2 करोड़। अब उनके सामने लालच आ गया, 250 करोड़ रुपए हम कमा के, सॉरी 500 करोड़ रुपए हम कमा के दे रहे हैं कंपनी को, और हमें क्या मिल रहा है, 2 करोड़ की चिल्लर, उनको कम लग रहे हैं हम 2 करोड़। कहता भाई क्या करें, और शेयर होल्डर से बात करते हैं कि भैया हमारी रेमुनरेशन बढ़ाओ। अब यार 2 करोड़ काफी है या नहीं है, 2 करोड़ तो काफी है भैया। वो कहते नहीं हमारी रेमुनरेशन बढ़ाओ, शेयर होल्डर कहते नहीं भैया रेमुनरेशन तो नहीं बढ़ा सकते, इतनी मिलेगी, जितनी आपकी वर्किंग है उतनी तो मिलेगी यार, आपका काम थोड़ी बढ़ गया। अगर मेरी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से 1000 करोड़ होगा तो तुम्हारा काम कौन सा बढ़ा है वो बता दो मुझे, नहीं बढ़ा ना। चलो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सींग लग जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सींग लग जाते हैं जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है हमारे हक का पैसा है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बाकी डायरेक्टर पूछते कैसे, क्या करेंगे, कहते हम करेंगे गड़बड़। कैसे यार, कंपनी के सारे अफेयर्स किसके हाथ में है, अपन लोगों के हाथ में है। बुक्स कौन मेंटेन करता है, अपन मेंटेन करते हैं। अपन है ना सेल करेंगे 500-2000 करोड़ की, दिखाएंगे कितनी की, दिखाएंगे 1900 करोड़ की, 100 करोड़ की सेल दिखाएंगे ही नहीं बुक्स में, बुक्स में नहीं दिखाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी
नहीं आएगी, क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा ना। अब देखो मेरे पास मान लो 5000 करोड़ का स्टॉक है और मैंने दिखा दिया ओपनिंग स्टॉक 5000 करोड़, 2000 करोड़ का बिक गया, तो कितना बचना चाहिए? 3000 करोड़ का। अगर हम सेल 1900 करोड़ की दिखाएंगे तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितने का होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखा देंगे? 3100 का दिखा देंगे, शेयर होल्डर को पता ही नहीं लगेगा। और उसके बाद कॉल एजीएम कॉल कर लेंगे और यही बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने रख देंगे। ये हो सकता है। चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने ऐसे ही चूज नहीं किया सर, ईमानदार बंदे हैं, गलती तो किसी से भी हो सकती है। हो सकता है सेल की कोई एंट्री मारना वो भूल गए हों, परचेज की कोई एंट्री मारना भूल गए हों, सही बात है ना, गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है? हो सकती है, ठीक, ओके। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग बुलाई और बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने रख दी। कहता सर ये रही बुक्स और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा काम खत्म। एजीएम बुला दी, पूरे साल का आपको हिसाब किताब दे दिया। शेयर होल्डर कहते हैं रुको यार हमें डाउट है। कहते डाउट कर रहे हो, हम पे डाउट कर रहे हो? कहते हूं यार किसी का डाउट भाई, तुमसे तुमने कुछ गड़बड़ कर दी हो या तुमसे गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि देखो मिसस्टेटमेंट जो होती है, मिसस्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट जो गलत है, वो एरर की वजह से भी हो सकती है और फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने फ्रॉड किया, हो सकता तुमसे गलती लग गई हो, और दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है तुमने फ्रॉड ना किया हो, इंप्लॉइज ने किया हो, तुम तो डायरेक्टर हो, तुमने जिनको अपॉइंट किया उन्होंने कोई फ्रॉड कर दिया, उन्होंने कोई गलती कर दी हो। कहता सर चाहते क्या हो ये बताओ साफ साफ। कहता हम चाहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस पे कोई एक्सपर्ट बंदा अपनी ओपिनियन दे, वो चेक करके बताए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। अगर वो एक्सपर्ट बंदा कह देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स बिल्कुल सही बनी हुई है तो हम मान लेंगे, और अगर उस एक्सपर्ट बंदे ने कह दिया कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़ है तो फिर तुम लोग गए, ठीक है, दिस इज कॉज ऑडिट। अब बताओ कौन है एक्सपर्ट बुक्स का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? एक सीए। तो शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करेंगे? एक सीए को अपॉइंट करते हैं जी, जिसे हम क्या बोलेंगे? ऑडिटर। क्या हो भैया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करो और हमें बताओ, एक रिपोर्ट देके, कि आपकी ओपिनियन में ये रिपोर्ट सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई। ये है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब इस पूरे सब्जेक्ट में यही पढ़ने वाले हैं, ऑडिट क्या होती है, ऑडिटर कौन होता है, इसको अपॉइंट कैसे करना है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको हटाया जा सकता है नहीं हटाया जा सकता, इसकी पावर क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटमें हैं उनको ये चेक कैसे करेगा। जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको कैसे चेक करेगा, प्लांट एंड मशीनरी उसको कैसे चेक करेगा, गुडविल है उसको कैसे चेक करेगा, ये सब चीजें ऑडिट कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरा सब्जेक्ट है 100 नंबर का, ठीक है। ये पॉइंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि हमें शेयर होल्डर पे, सॉरी शेयर होल्डर क्या चाहते हैं? अश्योरेंस चाहते हैं। अश्योरेंस बोले तो एक तरीके से गारंटी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक तुम हमारे सामने रख रहे हो वो सही है या नहीं है, और वो अश्योरेंस कौन देगा? एक एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट सीए से ज्यादा बड़ा कोई है नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक बात है। चलो जी अगले पेज पे आएंगे। चलिए जी तो ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ते एक बार, हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं और ये मान के चलिए एग्जाम में ये 8-12 मार्क्स का आता ही आता है जी, कंफर्म है 8-12 मार्क्स का। ऑडिटर, ऑडिट एंड ऑडिटर, और यहां पर चैप्टर का नाम है, यानी कि लॉ में लास्ट चैप्टर जो होगा फर्स्ट ग्रुप में उसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर, और यहां इसका नाम है द कंपनी ऑडिट, ठीक। तो मैं दोनों ही नाम लिख देता हूं, द कंपनी ऑडिट, ये तो है ऑडिट में नाम इसका, और लॉ में इसका नाम है द ऑडिट एंड ऑडिटर। ग्रुप 1 में लॉ में, तो ये ग्रुप 1 में ये नाम आएगा, ये ग्रुप 2 में नाम है, ये ग्रुप 1 में कॉरपोरेट एंड अदर लॉ में सेम चैप्टर है जी।
और यहां पर अपना ग्रुप टू में ऑडिट में। सेम चैप्टर आएगा जी। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 से 148। द कंपनी एक्ट 2013। ठीक, ऑडिट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ऑडिट का मतलब क्या है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर इट whether the financial statements are free from material misstatements. ये ऑडिट की डेफिनेशन है जी, एज इट इज याद करनी है। याद होगी कैसे वो देखते भी।